मिशन सिद्वा में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी लुधियाना सिद्वा कनाल के दो चेहरे। आप भी सोच रहे होंगे कि यह क्या है सिद्वा के दो चेहरे। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इस समय सिद्वा कनाल पानी से खचाखच भरी हुई है और आपको साफ दिख रही है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो है जब इस कनाल में पानी का स्तर कम हो जाता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर इस सिद्वा कनाल का सच। मिशन सिद्वा को लेकर आज टाइम्स पंजाब इस सिद्वा कनाल के ऊपर पहुंचा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज ये जो भरी हुई नहर जो है आपके सामने है, लेकिन इस नहर का वो आलम आपको चेहरा हम दिखाने जा रहे हैं जो ये पानी कम होने के बाद जो लोगों के सामने आता है। कहीं ना कहीं उस जब ये पानी का बहाव कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस नहर की जो सच्चाई वो सामने आ जाती है। सिद्वा कनाल का जो पानी है जब इसका लेवल कम हो जाता है तो उसके दौरान आप इसमें गंदगी का आलम आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ये गंदगी का आलम इसमें इस नहर में होता है। हम एक प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं लुधियाना में कि सिद्वा कनाल को हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ये पानी आगे हमारे पौधों में जाता है तो पौधे भी गंदे होते हैं, पौधे भी खराब होते हैं, पौधों की वजह से हमारा खाना पीना भी खराब होता है। तो हमें अपने कनाल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, कुछ भी उसमें गलत सामान नहीं डालना चाहिए। सिद्वा कनाल जो हमारे लोगों में आजकल एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है हेल्थ इश्यूज़ के लिए या क्लिनलीनेस हाइजीन इश्यूज़ के लिए लोग इतने अवेयर नहीं हैं। लोग पानी में बहुत सारा ये गार्बेज फेंकते हैं। कुछ लोग अगर हम देखते हैं कि जैसे पंडितों वगैरह ने हमारे रिलीजियस फैक्टर्स के कारण लोग उसमें फेंकते हैं। इट इज़ द पॉइंट इज़ टू एजुकेट पीपल अबाउट दिस, एजुकेट पीपल अबाउट हाइजीन, एजुकेट पीपल अबाउट हेल्थ। बिकॉज अगर हम कहें कि ये हमारे रिलीजियस बिलीव्स है, अगर सपोज गणपति इज़ देयर, लोग गणपति विसर्जन कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू चेंज दैट थिंग कि अगर हम गणपति विसर्जन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो तो मिट्टी की चीज़ है, मिट्टी में चले जाएगी। हम लोगों को उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो जिसको बोलते हैं कि वो रिसाइकल हो सके। बिल्कुल, कॉरपोरेशन ही चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बिकॉज वो ही वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, वहाँ पे बैरियर्स लगाएं और बोर्ड्स लगाएं मैसेजेस के, ताकि लोग इस सबसे बंद कर दें इन सब चीज़ों को। वहम तो लोगों के अपने क्रिएट किए हुए हैं, तो वो तो अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी तो दे स्टॉप डूइंग ऑल दिस, वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएंगे। लुधियाना से अभिषेक के साथ धीरज कुमार, टाइम्स पंजाब टीवी।